सुप्रभातम नमो नमो पंचम पाठ अद्य वयम दशम कक्षायां सेमुसी द्वितीय भाग पंचम पाठ है जननी तुल्य वत्सला पठिष्यामि। सर्वे छात्रा ध्यानेन श्रवन्तु। महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो आज के युग में भी उपादेय हैं। महाभारत के वन पर्व से ली गई यह कथा न केवल मनुष्यों अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती है। यह इस पाठ का अभिप्रेत है। कश्चित् कृषकः बलिवर्दभ्याम् क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन जन्तुं गन्तुम् असक्तः च आसीत्। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदयेन नुद्यमानः अवर्तत। स ऋष्वः हलमूढ्वा गन्तुम् असक्तः क्षेत्रे पपातः। क्रुद्धः कृषिबलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम अकरोत्, तथापि वृषः न उत्थितः। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः शुर्भे नेत्राभ्याम् अश्रूणि आविरासन्। शुर्भे इमाम् अवस्थां दृष्ट्वा सुरावधिपतये ताम् अपृच्छत्। अयि शुभे किम एवं रोदिसी उच्यताम इति साच। पाठस्य अर्थम पश्यामः। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम् क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कुर्वन् प्लस आसीत्। कश्चित् कः प्लसित्। कश्चित् माने कोई। किसान दो बैलों से खेत जोत रहा था। तयो बल वर्द्यो एक शरीर दुर्बल। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल कमजोर जवेन गंतुम असक्त च आसीत् और तेज से चलने में असमर्थ था। अर्थात वो तेज से नहीं चल सकता था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदयेन नुद्यमान अवर्तत। अतः माने इसलिए किसान ने उस कमजोर बैल को कष्ट देने से धकेला जाता हुआ हांक रहा था। सह ऋष्वः हल मुढ्वा गंतुम असक्तः क्षेत्र पपातः। ऋष्वः माने बैल। सह माने वह बैल हल मुढ्वा हल को उठाकर गंतुम असक्तः क्षेत्र पपातः है। हल को उठाने में असक्त मतलब समर्थ नहीं था। वह खेत में गिर गया। क्रुद्धः कृषिबलः तम उत्थापयितुं क्रोधित गुस्से में हुआ कृषिवल माने किसान ने तम उत्थापयितुं उसको उठाने के लिए बहुवारं यत्नम अकरोत्, बार बार उसने प्रयत्न किया। तथापि वृषः न उत्थितः। तथापि माने फिर भी वृषः माने बैल न उत्थितः, वह उठकर खड़ा नहीं हुआ। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता में सुरभि नाम की नेत्राभ्याम अश्रुणि अवरासन, उसकी दोनों आंखों में आंसू बहने लगे।
सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्टवा, सुरभि की इस प्रकार की अवस्था को देखकर सुराधिपदा ताम अप्रच्छत, सुराधिप माने इंद्र, इंद्र ने उससे पूछा, अई सुहे अरि सुहे किम एवं रोदिसी, तुम क्यों रो रही हो, उच्चताम कहो, इति माने ऐसा, सच है, और उसने कहा। विनिपातो नव कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। अन्वय देखते हैं इसका, वह विनिपातो कौशिक कश्चित् त्रिदशाधिप, त्रिदशाधिप न दृश्यते, अहम तु पुत्रम शोचामि कौशिक तेन रोदिमि। अर्थ देखते इसका, वह माने हमारा, विनिपाते माने विनाश, कश्चित माने कोई, त्रिदशाधिप इंद्र ने न दृश्यते, इंद्र को दिखाई नहीं देता, उसने कहा, जो सुरभि थी उसने कहा कि हमारा विनाश कोई किसी को भी कोई भी किसी इंद्र को नहीं दिखाई देता, अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं तो पुत्र के शोक में सोच रही हूँ, पुत्र का दुख मुझे बहुत है, इसलिए मैं विचार कर रही हूँ, कौशिक हे इंद्र, कौशिक माने इंद्र, हे इंद्र तेन रोदिमि, उसके लिए मैं रो रही हूँ। भो वासव, वासव माने भी इंद्र होता है, भो वासव हे इंद्र पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिसी रोदिमि, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। से दीन इति जानन अपि, जानन प्लस अपि, कृषक है तम बहुधा पीड़ेति, सह माने वह दीन इति, वह कमजोर है, ऐसा जानते हुए भी कृषक माने किसान ने तम बहुधा पीड़ेति, उसको बार बार कष्ट दिया, दुख दिया। सह कृच्छेण भारम उद्वती, सह कृच्छेण भारम उद्वती, वह कठिनाई से भार को उठा पा रहा है। इत्रम इव दुरम गोडुम सह न सकनोति, इत्रम इव, इत्रम प्लस इव, इस प्रकार से दुरम जो हल्का धुरी होती है, हल्का एक पार्ट, बोडुम सह न सकनोति, वह उसको उठाने में सक्षम नहीं है। एतत् भवान पश्यति न, यह आप नहीं देख रहे हैं, इति प्रत्यवोचक, ऐसा उसने कहा। भद्रे नूनम सहस्राधिकेशु पुत्रेषु सत्यस्यापि तम अस्मिन् एव एतादृशं वात्सल्यं कथम्, इति इन्द्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्यवोचत। भद्रे बहन, नूनम माने निश्चित रूप से, सहस्र अधिकेशु पुत्रेषु हजारों पुत्रों में, सत्व अपि तव अस्मिन् एव एतादृशं वात्सल्यं कथम्, हजारों पुत्रों में होने पर भी तुम्हारा इस पुत्र में इतना प्रेम क्यों है, इति इंद्रेने प्रष्टा सुरभि प्रत्यवोचत, ऐसा इंद्र ने पूछा, सुरभि ने उत्तर दिया।